लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गांधीनगर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दायर करने के लिए अमित शाह गांधीनगर के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे थे। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। नामांकन दायर करने के बाद अमित शाह ने कहा, मैंने गांधीनगर सीट से नामांकन दाखिल किया है और गांधीनगर का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव की बात है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का चुनाव है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है और भारत 2047 तक विकसित हो जाएगा। इससे एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को समर्थकों के हुजूम के बीच अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक के बाद एक तीन रोड शो किए और करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय की। अमित शाह का रोड शो अहमदाबाद शहर के साबरमती घाट, लोडिया, नारणपुरा और बेजलपुर विधानसभा क्षेत्रों के तहत आने वाले इलाकों से गुजरा, जो गांधीनगर लोकसभा सीट का हिस्सा है। उन्होंने 2019 में सीट से जीत हासिल की थी। इससे पहले अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अहमदाबाद के साड़ंद में और गांधीनगर जिले के कालौल में रोड शो किए। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके अमित शाह 2019 में 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से विजयी हुए थे। अतीत में इस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व भाजपा के वयोवृद्ध नेता व पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी कर चुके हैं। विपक्षी कांग्रेस ने गांधीनगर लोकसभा सीट से पार्टी सचिव सोनल पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। पटेल ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। गुजरात में सभी 26 लोकसभा क्षेत्रों में 7 मई को एक ही चरण में मतदान होगा।